मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अपने फेफड़े का किस तरीके से आपको ख्याल रखना है और साथ ही साथ किस तरीके से आपको निरीक्षण करना है कि आपके शरीर में O2 का लेवल क्या है। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप ऑक्सीमीटर से अच्छी तरीके से जांच कर लें, वो तो हो गया पहला तरीका। लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं है तो आपको अपने फेफड़े की जांच किस प्रकार से करनी है ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप एकदम सीधे अवस्था में बैठ जाएं, उसके बाद आपको अपनी पूरी तरीके से जो भी आपका सांस जो है आप पूरा बाहर फेंक दें और उसके बाद फिर से पूरी तरीके से लेने के बाद ऊपर लेने के बाद रोक दें और अपना स्टॉप वॉच ऑन कर दें और आप चेक करें कि आप बिना सांस लिए सांस रोक कर कितने समय तक बैठ सकते हैं। अगर ये ड्यूरेशन 50 से लेकर के 1 मिनट तक या 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक है तो आप मानिए कि आपका फेफड़ा सही हालत में है, आपको प्रचुर मात्रा में O2 मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर इससे कम है तो आपको ज़रूरत है अपने फेफड़े के ख्याल रखने की और अपने डॉक्टर से कंसर्न करने की। और इससे क्या होगा कि आपके ये फेफड़े का साइज होता रहेगा। अगर आप पहले दिन 40 सेकंड तक सांस रोक पाते हैं, 50 सेकंड तक रोक पाते हैं तो अगले दिन आप उसको और बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज होता है आपके फेफड़े के लिए। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आपको अगर मौका मिलता है, समय मिलता है तो आपको सिंगिंग भी करनी चाहिए। सिंगिंग करने से भी आपको आपके फेफड़े को एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज मिल जाएगा और आपको दो लाभ मिलेगा। या तो अगर आप मेंटली डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, उलझन में हैं तो भी आपको मेंटली ये कूल करेगा, रिलैक्स करेगा और आपके फेफड़े के लिए भी सिंगिंग एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो सिंगिंग मुझे भी काफ़ी पसंद है लेकिन मैं सिंगिंग कर नहीं पाता हूँ, फिर भी शौक के लिए आपके सामने, अपने व्यूअर्स के सामने एक बार सिंगिंग करना चाहूँगा। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि ये फेफड़े का एक्सरसाइज हो सके। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, पहली बात मैं क्लियर कर दूँ। अगर आपको गाना अच्छा ना लगे तो पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ और आप सिर्फ और सिर्फ इंजॉय के लिए सुने। और मेडिकल टर्म में आपके फेफड़े का ये एक्सरसाइज भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाना। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। तो ये तो था छोटा मोटा सिंगिंग। और इस तरीके से आप अपने फेफड़े के लिए भी आपके फेफड़े का भी एक्सरसाइज होता रहेगा और आप मेंटली डिप्रेस भी नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।